बॉलीवुड कॉकटेल। वेल, श्रीदेवी की एल्डर डॉटर जानवी कपूर ने अपने और श्रीदेवी के बारे में कुछ ऐसी न्यूज रिवील की हैं जो थोड़ी शॉकिंग हैं। यूं तो जानवी धड़क मूवी से अपना डेब्यू करने वाली हैं। याहू न्यूज के अकॉर्डिंग जानवी कपूर ने सबसे पहले इंटरव्यू में अपने दिल की सारी बातें खुलकर की, जहाँ उन्होंने बताया कि उनके अपनी माँ के साथ के लास्ट मोमेंट क्या थे, यहाँ तक के ये भी कि उनकी माँ यानी कि श्रीदेवी जानवी कपूर को कभी भी बॉलीवुड में एंटर करने नहीं देना चाहती थी। यस, यू आर हियरिंग अस एब्सोल्युटली राइट। श्रीदेवी जानवी कपूर के लिए कभी नहीं चाहती थी कि वो बॉलीवुड में एंटर करें। श्रीदेवी हमेशा चाहती थी कि खुशी कपूर ही बॉलीवुड फिल्म करें, जबकि जानवी कपूर नहीं। ऐसा नहीं है कि श्रीदेवी दोनों बेटियों को नहीं मानती थी। श्रीदेवी का मानना था कि जानवी कपूर नेचर से बहुत ही ऑनेस्ट हैं और काफ़ी नाइव भी, और बॉलीवुड इंडस्ट्री में स्टैंड करने के लिए आपको काफ़ी मोटी चमड़ी का होना पड़ता है, क्योंकि आपके ऊपर बार बार कमेंट्स होते हैं, आपको मीडिया काफ़ी माइन्यूटली नोटिस करती है। उन्हें लगा था कि जानवी ये सब झेल नहीं पाएंगी, इस वजह से वो जानवी को बॉलीवुड से दूर रखना चाहती थी। वो चाहती थी कि उनके दोनों बच्चे एक रिलैक्स लाइफ जिए। एक्ट्रेस की लाइफ काफी स्ट्रेसफुल होती है, ऐसा श्रीदेवी का मानना था। जानवी ने श्रीदेवी के साथ के अपने लास्ट मोमेंट्स के बारे में भी कहा। शादी में जाने के एक दिन पहले जानवी कपूर ने उन्हें अपने पास बुलाया था, जहां वो चाहती थी कि माँ उन्हें सुलाए, लेकिन क्योंकि वो पैकिंग कर रही थी, जब तक वो आई जानवी सो चुकी थी। लेकिन जानवी ने कहा कि मुझे माँ का सर पे हाथ फिराना अभी भी याद है। वेल, जानवी कपूर के इस इमोशनल इंटरव्यू से ये पता तो चलता है कि जानवी रियल लाइफ में काफी इमोशनल हैं, और हाँ, बॉलीवुड में स्टैंड करने के लिए उन्हें रियली मोटी चमड़ी का तो होना पड़ेगा। दिस इज ऑल फ्रॉम मिस कॉकटेल फॉर नाउ। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल टू हैव एवरी सिप ऑफ बॉलीवुड कॉकटेल।